बिहार में इन दिनों बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली में हुई जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया। ललन सिंह के इस्तीफे के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं। जेडीयू में मचे इस सियासी घमासान के बाद ललन सिंह का नाम काफी चर्चाओं में है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ललन सिंह कौन है और वो कितनी संपत्ति के मालिक हैं। ललन सिंह का पूरा नाम राजीव रंजन सिंह है। 24 जनवरी 1955 को पटना में जन्मी ललन सिंह के पिता का नाम ज्वाला प्रसाद सिंह और मां का नाम कौशल्या देवी है। ललन सिंह ने TNB कॉलेज भागलपुर विश्वविद्यालय से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। ललन सिंह कॉलेज छात्र संघ की महासचिव थे और 1974 में उन्होंने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले आंदोलनों यानी JP आंदोलन में हिस्सा भी लिया था। ललन सिंह की पत्नी का नाम रेणु देवी है, उनकी एक बेटी भी है। वहीं बात अगर ललन सिंह के सियासी करियर की करें तो ललन सिंह वर्तमान में मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद है। इससे पहले वे 15वीं लोकसभा में मुंगेर से और 14वीं लोकसभा में बेगूसराय से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष और JDU के बिहार इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ललन सिंह साल 2014 में लोकसभा चुनाव में हारने के बाद बिहार विधान परिषद के सदस्य के लिए निर्वाचित हुए थे। साल 2010 में ललन सिंह ने JDU का अध्यक्ष रहते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसके बाद ललन सिंह JDU के एक निर्वासित मेंबर बने रहे। JDU ने उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द करने की भी कोशिश की थी, लेकिन नीतीश कुमार से संबंध सुधारने के बाद ऐसा नहीं किया गया। ललन सिंह 2014 में जीतन राम मांझी कैबिनेट में सड़क निर्माण मंत्री भी बनाए गए थे। हालांकि फरवरी 2015 में जीतन राम मांझी ने उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था। बाद में फिर महागठबंधन सरकार में नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री बनाया। वहीं बात अगर ललन सिंह की संपत्ति की करें तो चुनावी हल्फनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति करोड़ों में है। ललन सिंह की कुल संपत्ति 5,57,57,926 रुपए हैं। ललन सिंह पर 2,00,000 की लायबिलिटी भी है। ललन सिंह का पटना में एक आलीशान घर है। इसके अलावा बिहार के कई जिलों में ललन सिंह की प्रॉपर्टी भी है। ललन सिंह के पटना के एग्जीबिशन रोड स्थित बैंक में 1,00,00,000 रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट भी है। ललन सिंह की पत्नी रेणु सिंह के बैंक खाते में भी लाखों रुपए हैं। ललन सिंह और उनकी पत्नी के पास लाखों रुपए के गहने भी हैं। तो ये था ललन सिंह का सियासी सफर और उनकी संपत्ति से जुड़ी जानकारी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।